राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। आप देख रहे हैं, बात चाहे भ्रष्टाचार से लड़ने की हो या फिर आतंकवाद से, हमारी नीति और नियत दोनों मेरे देशवासियों आपके सामने है। और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के भी हिसाब चुकता कर देते भाई। मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए, कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? ईमानदारी से बताइए, कौन कर सकता है? हम एक तरफ गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, सातवें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं।